कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा कि महज एक खराब प्रदर्शन के बाद उनके मुख्य तेज गेंदबाज पैट कमिंस की आलोचना किया जाना अनुचित नहीं है, क्योंकि वह अभी आइसोलेशन पूरा करने के बाद सीधा ही खेले थे। सभी की निगाहें कमिंस पर लगी थी, जो विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा राशि में खरीदे गए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी गेंदबाजी की धज्जियाँ उड़ा दी और 3 ओवर में 49 रन लुटा दिए। इसके केकेआर को बुधवार को 49 रन से हार का सामना करना पड़ा। कार्तिक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमिंस की अभी आलोचना करना अनुचित नहीं है, वह अभी आइसोलेशन से निकला है और 3:30-4 बजे के करीब उसे मैच में खेलने की अनुमति मिली। उसके टीम में होने से हम खुश हैं और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में हम उसकी बिल्कुल भी आलोचना करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, वह विश्व चैम्पियन गेंदबाज है। मैंने जो कुछ भी सुना है और देखा है कि वह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। मुझे उस पर भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह अच्छा करेगा। कार्तिक ने युवा खिलाड़ी शिवम मावी के प्रदर्शन की भी तारीफ की, जिन्होंने रोहित और क्विंटन डिकॉट के विकेट लिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।